पवित्र गंगा, जीवनदायिनी मोक्षदायिनी गंगा, जिसकी गाथाएं वेदों और पुराणों में कई कई बार बताई गई हैं। न जाने कितने वर्षों से गंगा अपनी शुद्ध धार से इस धारा को पवित्र करती आ रही है। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको उस स्थान की सैर पर ले जाने वाले हैं जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है। उत्तराखंड राज्य का देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है। दोनों नदियों का संगम गंगा का रूप ले लेती है, लेकिन पौराणिक रूप से भागीरथी नदी को ही गंगा नदी माना जाता है और भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ये ग्लेशियर देश का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ग्लेशियर का एक छोर जो कि भागीरथी नदी का उद्गम स्थल है, यह गुफा जैसा स्थल समुद्र तल से 4023 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पुराणों और वेदों के अनुसार गौमुखी गंगा नदी का उद्गम स्थल है, इस कारण से इस स्थान का धार्मिक महत्व बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। गौमुख का अर्थ है गाय का मुख। गंगोत्री ग्लेशियर गाय के मुख के समान दिखाई देता है, इसीलिए इस स्थान का नाम गौमुख पड़ गया। यही है गौमुख, जहां से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। जो लोग यहां घूमने आते हैं यहां पर डुबकी जरूर लगाते हैं। उत्तराखंड के चार धाम हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री तीर्थ धाम से गौमुख सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप यहां घूमने आना चाहते हैं तो आपको कठिन ट्रैकिंग भी करनी होगी। इस ट्रैक को कंप्लीट करने में लगभग 7 से 8 घंटे का समय लगता है और ट्रैकिंग के दौरान चिरबासा और भोजबासा नाम के स्थान भी पड़ते हैं। यहां पर धार्मिक प्रेमी तो आते ही हैं, साथ ही साथ प्रकृति प्रेमी भी आते हैं। हरिद्वार तक तो आसानी से पहुंचा जा सकता है और हरिद्वार से गौमुख स्थल 282 किलोमीटर की दूरी पर है। हरिद्वार से ऋषिकेश, उत्तरकाशी और फिर गंगोत्री पहुंचकर गंगोत्री से ट्रेकिंग कर गौमुख पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश तक तो ट्रेन के भी माध्यम से पहुंचा जा सकता है, लेकिन इसके बाद गंगोत्री तक का सफर बस या टैक्सी से होती है। प्राकृतिक सौंदर्यता से भरपूर यह स्थान होने के साथ साथ पवित्र स्थल भी है। हर वर्ष लाखों लोग इस स्थान पर पहुंचते हैं। गौमुख क्षेत्र की प्राकृतिक सौंदर्यता, हिमालय की बर्फीली चोटियां और यहां का धार्मिक महत्व इस स्थान की विशेषता को अद्वितीय बनाता है। अगर आप में से कोई गौमुख गए हैं तो अपने एक्सपीरियंस को कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।